जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया था। आज हम लोग पोलिनेशन देखेंगे, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट है ना, दोनों का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या रह गया? पोलिनेशन बाकी रह गया। पोलिनेशन कहने का मतलब सिंपली ये समझेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर्स में, दो ही है। एक तो मेल पार्ट है, एंथर, यहाँ पे पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये पोलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो इस तरह से अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पोलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे, पोलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरह से ये पोलन ट्यूब कहाँ? ओव्यूल तक पहुँचेगा, एग तक, और पोलन न्यूक्लियाई तक पहुँचेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग आज के क्लास में देखेंगे मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो सेम फ्लावर में होगा, डिफरेंट फ्लावर में होगा, या फिर डिफरेंट टू प्लांट्स के बीच में, सेम स्पीसीज़ के प्लांट के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा। ये सारी बातों को आज के क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा पोलिनेशन। क्या होगा? पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सिंपली यहाँ पे डिफिनेशन क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पीजी से मैं मेंशन करता हूँ, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलेंगे। पोलिनेशन सिंपली क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर वाला पार्ट से स्टिग्मा वाला पार्ट में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर ही क्या कहलाएगा? पोलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलेंगे। पोलिनेशन कितने टाइप से होंगे? सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, सेम फ्लावर के फीमेल को रिप्रोड्यूस कर सकता है, जर्मिनेट फर्टिलाइज कर सकता है, या फिर डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स को फर्टिलाइज कर सकता है। सेम को करेगा तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके अगर लैंडिंग करेगा पोलन ग्रेन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। कितने टाइप्स ऑफ पोलिनेशन? टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन क्या क्या होंगे? पोलिनेशन को अगर मेंशन करें तो पोलिनेशन टू टाइप्स के होंगे। पोलिनेशन आर टू टाइप्स। क्या क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होगा क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन में दो पार्ट आएंगे। अच्छा, सिंपल यहाँ पे सोचेंगे, सेल्फ पोलिनेशन होगा तो यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस नहीं होंगे। पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाके लैंड करेगा, एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस नहीं होंगे। नो वेरिएशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा? नो वेरिएशन चांसेस। बट क्रॉस पोलिनेशन होगा, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन होगा, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन के साथ ये फर्टिलाइज करेंगे, दूसरा प्लांट्स होगा सेम स्पीसीज़ का, तो यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन में वेरिएशन के चांसेस होंगे। क्या होंगे? वेरिएशन के चांसेस होंगे, है ना, यहाँ वेरिएशन के चांसेस होंगे, है ना। सेल्फ पोलिनेशन सेम फ्लावर्स के बीच में ही क्या होगा? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो सेल्फ पोलिनेशन की अगर बात करें तो टू फॉर्म्स में होंगे, टू टाइप्स होंगे। एक होगा ऑटोगेमी और गिटनोगेमी। ऑटोगेमी सेम फ्लावर के बीच में ही होगा, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, तो ऑटोगेमी होगा। सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगेमी, और यहीं पे दो डिफरेंट फ्लावर्स होंगे सेम प्लांट के, दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में अगर पोलिनेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गिटनोगेमी बोलेंगे, है ना। तो सेल्फ पोलिनेशन को फर्दर हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा ऑटोगेमी, सिंगल फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होना ऑटोगेमी। एक क्या होगा? ऑटोगेमी।
और दूसरा क्या होगा, गिटनोगेमी। यहाँ पे सिंपल सा एक फ्लावर्स, एक प्लांट के एक फ्लावर्स होंगे, बड़ा साइज का फ्लावर्स दिखा रहा हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, मेल का एंथर से पोलन ग्रेड ट्रांसफर होगा फीमेल के स्टिग्मा में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्या बोलेंगे, डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो डिफिनेशन लिखेंगे ऑटोगेमी का, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। डायग्राम में भी हम सेम फ्लावर, एक प्लांट दिखा रहे हैं, एक ही फ्लावर्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करेगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा, इसी को हम लोग सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा पहलू है गिटनोगेमी। एक प्लांट होंगे, देखो एक प्लांट है, दो फ्लावर्स है, एक मेल फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स है, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, है ना। सोचो एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर का एंथर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गिटनोगेमी बोलेंगे। सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर ऐसा होगा, पोलिनेशन होगा, उसको हम लोग गिटनोगेमी में, सेल्फ पोलिनेशन में क्या बोलेंगे, गिटनोगेमी बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे गिटनोगेमी का, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट का अनदर फ्लावर के बीच में, अनदर फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होगा, उसको हम लोग गिटनोगेमी बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गिटनोगेमी बोलेंगे। क्लियर, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। यहाँ पे फ्लावर्स कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, और यहाँ पे जो फ्लावर्स होगा बाईसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, है ना। ऑटोगेमी में कैसे फ्लावर्स होंगे, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव भी पार्ट होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। FLR में कर रहा हूँ फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में ऑटोगेमी, सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगेमी किसमें होगा, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में, सेल्फ पोलिनेशन में गिटनोगेमी किसमें होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में। सेम प्लांट होंगे, दो डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, एक मेल एक फीमेल, इस तरह से पोलिनेशन होगा, तो उसको गिटनोगेमी बोलेंगे। ये तो सेल्फ पोलिनेशन की बात की, अब हम लोग देखें क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग जीनोगेमी या फिर एलोगेमी बोलते हैं। ऑटोगेमी, ऑटो मीन सेल्फ, है ना, जीनो या फिर एलो जो वर्ड यूज़ किया गया, रूट वर्ड, एलो मीन्स डिफरेंट के लिए यूज़ किया है। दो डिफरेंट प्लांट के बीच में क्या होगा, पोलिनेशन होगा, और दोनों प्लांट्स जो होंगे सेम स्पीसीज़ के होंगे, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज़ होंगे, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग इधर मेंशन करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, है ना। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए हम लोग और भी एक वर्ड यूज़ करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, जीनोगेमी या फिर एलोगेमी, जीनोगेमी
और इसको एलोगेमी बोलते हैं, है ना, जीनोगेमी और एलोगेमी भी बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। ओके, यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस होते हैं सेल पॉलिनेशन में, नो वेरिएशन, वेरिएशन के चांसेस नहीं होते। अगली जो जनरेशन आएगा सेम नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट आएंगे, है ना। तो यहाँ पे नो वेरिएशन, डिफरेंट नहीं, सेम सेम आएंगे, बट यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट है ना। जो कैरेक्टर्स होंगे, कुछ नए कैरेक्टर्स आने की प्रोबेबिलिटी होंगे, वेरिएशन के चांसेस होंगे, और यही वेरिएशंस क्या होती है, काउज ऑफ इवोल्यूशन होता है, नया कुछ बनता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग देखते हैं, इसको हम लोगों ने क्या बोला, जीनोगेमी या फिर एलोगेमी। इसका डिफिनेशन हम लोग अगर कहें तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को पीजी से हम लोग दिखाते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू, है ना, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट, ऑफ वन प्लांट टू, वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, अनदर फ्लावर होगा, बट क्या होगा, क्या होगा, सेम स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ऑफ अनदर प्लांट, बट क्या होगा, सेम स्पीसीज का होगा, ऑफ द सेम स्पीसीज। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है, जो क्रॉस पोलिनेशन होती है जिसको जीनोगेमी या फिर एलोगेमी बोले हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में होगा, बट दोनों प्लांट ऐसा होगा सेम स्पीसीज का होगा। यहाँ पे अगर डायग्राम दिखाएंगे तो किस तरह से दिखाएंगे, ये दो प्लांट को दिखा रहे हैं, है ना, इस तरह से, तो डिफरेंट प्लांट्स है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होगा, एक का मेल एक का फीमेल, मेल फीमेल, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होगा। ये क्या करेंगे, ये मेल फीमेल को क्रॉस करेंगे और ये मेल फीमेल को क्रॉस करेंगे, इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन होगा। डिफरेंट प्लांट्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट प्लांट्स होंगे, डिफरेंट प्लांट और सेम स्पीसीज, डिफरेंट प्लांट्स होंगे बट क्या होंगे, सेम स्पीसीज होंगे, और यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, है ना। अब अगर एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है, एक प्लांट का फ्लावर है, दूसरे प्लांट का फ्लावर है, एक दूसरे को क्या करेगा, पोलिनेट करेगा, तो एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे तो बायोटिक एजेंसीज होगी या फिर अबायोटिक एजेंसीज होगी। बायोटिक एजेंसीज में बात करेंगे तो जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स आएंगे, है ना, स्नेक्स आएंगे, वो बायोटिक एजेंट्स होंगे, और दूसरा होगा अबायोटिक एजेंट्स, नॉन लिविंग एजेंट्स, जिसमें हवा पानी आएगा, है ना। हवा के थ्रू अगर पोलिनेशन होता है तो उसको एनिमोफिलस प्लांट्स बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, और जिसके जिसमें पोलिनेटिंग एजेंट वाटर होता है उसको हाइड्रोफिली या फिर हाइड्रोफिलस फ्लावर्स या फिर प्लांट्स बोलते हैं। तो दो तरह से एजेंसीज यहाँ पे काम करेंगे क्रॉस पोलिनेशन में, क्या कहेंगे, ये क्रॉस पोलिनेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एजेंसीज, क्या को करेगा, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एजेंसीज, ऑलवेज डिपेंड ऑन एजेंसीज,
एजेंसीज में टू टाइप्स के एजेंसीज होंगे, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स और दूसरा क्या होगा, बायोटिक एजेंट्स। इस तरह से दो तरह के एजेंसीज होंगे। हम लोग एजेंट्स को देखेंगे बायोटिक में और अबायोटिक में, इस तरह से एजेंसीज होती हैं। ध्यान देते हैं, पोलिनेशन जो होगा, क्रॉस पोलिनेशन, दो तरह के एजेंट्स होंगे, है ना। बायोटिक एजेंट्स हवा, बायोटिक अबायोटिक एजेंट्स हवा पानी, और बायोटिक एजेंट्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो आएंगे। तो एजेंसीज को हम लोग देखेंगे, पोलिनेशन, पोलिनेटिंग एजेंट्स को यहाँ पे देखेंगे, पोलिनेटिंग एजेंट्स। एजेंट्स में एक तो अबायोटिक एजेंट्स होगा, दूसरा क्या होगा, बायोटिक एजेंट्स होगा। ये दो तरह के एजेंट्स होंगे। तो अगर हम लोग अबायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन आएगा, एक तो एयर आ जाएगा और दूसरा वाटर आ जाएंगे। एयर के थ्रू अगर पोलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। और वाटर के थ्रू अगर पोलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। यह तो होता है अबायोटिक एजेंट्स, है ना, दो होंगे। हवा के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा या फिर पानी के थ्रू, पानी में बह के होगा, है ना। तो अबायोटिक एजेंट्स में एयर और वाटर आएगा, है ना। यहाँ पे जो अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पोलिनेशन होगा, यहाँ पे फ्लावर्स कैसा होगा, है ना, नेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे फ्लावर्स, और कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, नॉट कलरफुल, और कैसा होगा, है ना, नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। फ्लावर्स आर, यहाँ पे क्या होंगे, फ्लावर्स आर नेक्टरलेस। एंड कलरलेस, एंड कलरलेस, ये दोनों होंगे, नेक्टरलेस एंड कलरलेस, है ना। नॉट सोई होगा प्लांट, नॉट फ्लावर्स। और बायोटिक एजेंट्स होंगे, ये जो बायोटिक एजेंट्स होंगे उसमें क्या क्या आएंगे, इंसेक्ट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, बर्ड हो सकता है, बेट हो सकता है ना, चमगादड़ जिसको बोलते हैं उसके बाद चींटी हो सकती है, अंट, स्नेल्स हो सकता है, ये सारे पोलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अबायोटिक एजेंट्स में, अबायोटिक एजेंट्स की अगर बात करें तो अबायोटिक एजेंट्स में एक तो इंसेक्ट आएगा, एनिमल्स आएंगे, एनिमल्स आ सकता है, है ना, बर्ड्स, बैट, बर्ड्स आ सकता है, बैट आ सकता है, एंट आ सकता है, और फिर स्नेल्स आ सकता है। अब अगर बायोटिक एजेंट इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है, एंथर टू स्टिग्मा, है ना, किसके थ्रू, अगर इंसेक्ट के थ्रू होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटोमोफिलस, है ना, फ्लावर, कैसा बोलता है, इंटोमोफिलस, फ्लावर। एनिमल्स के थ्रू अगर होता है तो इसको बोलते हैं जूफिली या फिर जूफिलस, है ना। और पक्षी के थ्रू अगर होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिलस,
ऑर्निथोफिली या फिर ऑर्निथोफिलस, बैट के थ्रू अगर होता है तो उसको बोलते हैं चिरोप्टोफिली, चिरेप्टोफिली, है ना, चिरोप्टोफिली बोलते हैं बैट के थ्रू। और अगर एंट के थ्रू होता है तो, है ना, उसको बोलते हैं मेनमिकोफिली। और अगर स्नेल्स के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं मेलेकोफिली। ये पोलिनेटिंग एजेंट्स में बायोटिक एजेंट्स होगा और ये अबायोटिक एजेंट्स होगा। और ये एजेंट्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है? क्रॉस पोलिनेशन में होती है। कहाँ पे होती है? क्रॉस पोलिनेशन में होती है, याद रखना है। सेल पोलिनेशन तो एक ही फ्लावर्स के बीच में होता है या फिर एक प्लांट में दो फ्लावर्स के बीच में, तो वो अपने आप हो जाता है, वहाँ पे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट क्रॉस पोलिनेशन होता है तो वहाँ पे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है? पोलिनेशन होता है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोलिनेशन के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू।